अरे लो, ये तो सो रही है। अरे काहे के लिए आई है ये? डॉग लेने के लिए आई क्या? उठा देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं, सोने दो, रहने दो। है देख लो। नहीं छोड़ो, रहने दो। अच्छा चलो फिर। क्या बताऊँ मैं तुम्हें नाइला, साजदा तो हर वक्त बीमार रहती है ना, इसके कमरे में ही रहती है, बाहर ही नहीं निकलती। और रानिया, उसकी तो ना ही पूछो। मेरा बेटा छीन लिया उसने मुझसे, हर वक्त बस मेरा शौहर, मेरा शौहर। लो भैया, उसका शौहर क्या बना? ना वो मेरा बेटा रहा, ना इसका भाई। उसकी प्रॉब्लम की वजह क्या है? प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम ये है कि उसे दानिश से इश्क हो गया। हैरत हुई ना? देखिए शुरू शुरू में तो शादी के बाद एक दो दफा हुई लड़ाइयां, उसके बाद तो हमने इश्की मुश्की की वो कहानियां देखी, वो दास्तानें देखी, जो इससे पहले ना कभी सुनी थी ना देखी थी। लो भैया, हसरत पूरी हो गई। सच कहते हैं बड़े, बड़ी ताकत है इस निकाह में, बड़ी। और दानिश का तो ये हाल है, बीवी का चमचा हो गया, हर वक्त अपनी बीवी को खुश रखने के जतन करता रहता है। मुझे और अम्मा को तो पाँव की जूती समझती है, घर के सारे काम मैं और अम्मा करते हैं। और क्या बताऊँ, कमरे से निकलना मुश्किल है मेरा तो, कहीं बाहर निकलो तो कुत्ते, कहीं ना महरम गार्ड। मैंने कहा रानिया बेटे इन्हें हटा दो, इनकी क्या जरूरत है, तो कहने लगी नहीं भाई डाकू आ जाए। नहीं, मैं वो बात नहीं कर रही, मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल तो साफ है, दूध की तरह उजला, तभी आज भी तुम अपनी अना रोन कर आ जाती हो ना मिलने के लिए। लेकिन तुमसे और निहाल भाई से ना अजीब सी नफरत करते हैं ये लोग, बस हर वक्त तुम्हें कोसते रहते हैं। लेकिन तुम आ जाया करो, तुम तो अच्छी हो ना, छोड़ो वो जो भी कहे तुम्हें है। अच्छा अब मैं चलती हूँ। नहीं नहीं, तुम आई हो ना ऐसे मिले बगैर नहीं, जो अच्छा नहीं लग रहा मैं उठा दे। मैं मिलना ही नहीं चाहती उससे अब, बस आपा उससे कह दीजिएगा कि मैं पूछने आई थी उसे। सुनो तो सही। अच्छा, नायला सुन तो लो, चाय तो पी लेती। सुन लो, अरे चाय समोसे कुछ है? नहीं। मीठा करो। नायला आई थी सना के निकाह की तारीख मांगने के लिए। क्या हुआ है? खुशी नहीं हुई? अरे बेटी की शादी होने जा रही है, घर बस जाएगा उसका। तुम कैसे खुश हो जाती हो दूसरों को तकलीफ पहुंचा के? शुरू हो गई तुम्हारी लेक्चरबाजी। अरे बेटी की शादी की बात हो रही है, लोग हाथ उठा के दुआएं देते हैं और तुम लगे नसीहतें करने, क्योंकि फ्री में बटती है ना ये। किसी दूसरे के नसीब का छीन कर खाने वाले अक्सर बदहजमी का शिकार हो जाते हैं। गलती हो गई जो तुम्हें ये खुशखबरी सुनाने चली आ गई, हो जाता खुशी होगी। लेकिन नहीं, तुमने आज तक अपने औलाद के लिए कुछ किया है? कभी कुछ अच्छा सोचा है? और तुमने जो किया है, रानिया के हिस्से की खुशियां छीन कर सना की झोली में डालने के लिए तुम्हें एहसास है कितना बड़ा गुनाह किया है तुमने? क्या गुनाह किया है? क्या बुरा किया है मैंने? अरे दुनिया क्या कुछ नहीं करती अपनी औलाद को खुशी देने के लिए, उनके सुख चैन के लिए, उनकी तरक्की के लिए। हाथ पैर मारने पड़ते ऐसे तुम्हारी तरह नहीं अल्लाह तवक्कुल होकर बैठ जाओ,
अल्लाह ने भी कहा है बंदे हाथ पैर हिला, मैंने हिला लिया तो कौन सा फर्क पड़ गया। नहीं खानी ना मिठाई, मत खाओ, मैं अम्मा को खिला दूंगी। पढ़े आए लेक्चर बास। या अल्लाह माफ कर दे, रहम फरमा इस घर पर, कोई अजाब नाज़िल न हो तेरा। ये नाअकबत अंदेश औरतें तेरी पकड़ की सख्ती से नावाकिफ हैं, इन्हें हिदायत दे और रहम कर। साल का मासूम बच्चा था मैं, सारे स्कूल के सामने जो जिल्लत तुमने मुझे दी थी ना, मेरे दिल में कैद थी। अरे जो जुर्म तुमने किया था उसकी सजा तो बनती थी परी से। जो लोग दूसरों को मौका देते हैं वो हमेशा हारते हैं। खुद से जीतने का भी अलग मजा है और खुद से हारने का भी। आप सिर्फ मेरे हैं सुल्तान। सुल्तान उन लोगों में से है जो अपनी अना की तस्कीन के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। आज भी तुम पक्के खिलाड़ी हो, अपनी कमजोरी किसी के हाथ में रहने नहीं देते। मेरे बेडरूम की बात मेरे बेडरूम से बाहर जाए ये मुझे सख्त नापसंद है। तुम हमारे झगड़े की वजह से अपने मायके आई तो वो मेरे और तुम्हारे रिश्ते का आखिरी दिन होगा। तुम बड़े वो हो, तुमने बताया क्यों नहीं कि नायला आंटी निकाह की बात करने आने वाली है? क्या अम्मी ने ये बात की? हाँ, थैंक यू सो मच, तुमने मुझे आज इतना अच्छा सरप्राइज दिया है। उसके बाद मैं आज इतनी खुश हूँ कि मैं बता नहीं सकती। मेरे पास तो लफ्ज ही नहीं है। और तुम्हें तो पता ही है शादी को लेके मैं कितना एक्साइटेड थी, बल्कि हूँ। कितने सारे प्लान्स हैं मेरे पास। प्लान्स तो मैंने भी बहुत बना रखे हैं। अच्छा, तो फिर बताओ ना क्या प्लान्स हैं? सरप्राइज है, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। उफ अल्लाह, ऐसा क्या है जो तुम मुझे नहीं बता रहे हो? वक्त आने पर बताऊंगा, लेकिन वादा करो मुझसे तुम मुझे मना नहीं करोगे। तुम्हें मना कर कैसे सकती? अगर जान देने का भी कहोगे ना तो पीछे नहीं हटूंगी कभी। आजमा चुका हूं मैं तुम्हें सना, और मुझे डर है कि इस बार भी तुम्हारे कदम लड़खड़ाना चाहे। उस वक्त वक्त कुछ और था और सब कुछ इतनी जल्दी में हो रहा था कि मैं बहुत घबरा गई थी। मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मुझे क्या करना चाहिए, लेकिन इस बार आजमा कर देख लो। साइमा, अरे रुक तो सही। माँ कितनी दफा बोला है मुझे पीछे से आवाज ना लगाया कर।
अरे मेरी जान के टोटे, मैं बस ये कह रही थी कि जो मैंने तुझे समझाया है ना, वो समझ गई है ना, याद है तुझे? तुझे पता है ना मैं ऐसी बातें नहीं भूलती, सो डोंट वरी, फिकर ना कर। दानी कैसे लग रही हूँ मैं? तुम कभी बुरी लग सकती हो। थैंक यू। वैसे आपको पता है मैं कभी कभी बहुत हैरान होती हूँ कि आप इतने वेल ऑफ, वेल सेटल्ड, इतने हैंडसम होने के बावजूद सिंगल कैसे थे? आई मीन आपकी लाइफ में कभी तो कोई लड़की आई होगी ना जो आपको पसंद करती हूँ या आप उसको पसंद करते हो? नॉट रियली। एक्चुअली मैं अपनी स्टडीज में, पापा का बिजनेस को एस्टेब्लिश करने में इतना बिजी रहा हूँ, कभी सेटल डाउन होने के बारे में सोचा ही नहीं मैंने। आपको पता है मेरे अब्बा ने मेरी अम्मा पे बहुत जुल्म किया है। मेरी अम्मा ने हमेशा उनसे मार खाई है। फिर अचानक एक हादसे में उनका इंतकाल हो गया और फिर मुझे और मेरी अम्मा को सुकून मिला। मैं अल्लाह से दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे ऐसा शौहर दे जो औरत की इज्जत करना जानता हो, उस पर कभी हाथ ना उठाए। आपको पता है मुझे जहर लगते हैं ऐसे मर्द। ये लाना तो ऐसे मर्दों पर जो औरतों पर हाथ उठाते हैं उनको मारते हैं। मेरा तो बस से लेना तो मैं सीधा आग लगा दूं ऐसे मर्दों। वैसे आपकी ना ये गाड़ी बहुत प्यारी है। प्रॉब्लम उसका प्रॉब्लम ये है कि उसे दानिश से इश्क हो गया। ये शुरू शुरू में तो शादी के बाद एक दो दफा हुई लड़ाइयाँ, उसके बाद तो हमने इश्क की मुश्किल की वो कहानियाँ देखी, वो दास्तानें देखी जो इससे पहले ना कभी सुनी थी ना देखी थी। लोग ये हसरत पूरी हो गई। सच कहते हैं बड़े, बड़ी ताकत है इस निकाह में, बड़ी। तेरी चौंकी भी आवाज आई है, तेरी माँ के मुंह पर ना समझी बताऊंगा। मरम तक चौंकी भी आवाज आने पर समझी। Thank you.
मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। तुम्हें भी क्या जरूरत थी इतना बोलने की? कोई खुदा का खौफ करता है इंसान, बोलने से पहले एक बार सोच लेता। लेकिन नहीं, तुम तो ना बोलने से पहले सोचती हो और ना ही खाने से पहले सोचती हो। ये सना बात सुन, हमजा को कॉल कर, सुनगुन तो ले। अरे नहीं भाई, अभी मेरी उससे फोन पे बात हुई है, बार बार फोन नहीं करूंगी। अच्छा, नॉर्मल था? नहीं, कहा तो उसने कुछ भी नहीं, लेकिन हमारे बीच तो सब कुछ ठीक है। शादी की प्लानिंग हो रही है हमारे। बस कुछ नहीं सुना फिर, ये कहा जल्दी। उफ अल्लाह। दरवाजा खोलो, मुझे किसी जरूरी काम जाना है। दरवाजा तो नहीं खुलेगा। और अगर आपने कहीं बाहर जाना है तो मुझे साथ लेकर जाना होगा। क्या मतलब है तुम्हारी बकवास का? अपने ही घर में मैं कैदी की तरह रहूंगी? कैदी तो तुम हो, और तुम्हें क्या आज पता चला है? बकवास बंद करो, दरवाजा खोल कर दो, वरना मैं बता रही हूँ आप लोगों को, मैं इतना शोर मचाऊंगी और सबको इकट्ठा कर लूंगी यहाँ पर। डर गई मैं। दरवाजा खोले, अभी के भी दरवाजा खोलो। सना सरा जा, तो छुटकी को तो अच्छी तरह से देख ले। दरवाजा तो नहीं खुलेगा। और जहां तक बात रही इस बात की कि तुम चीख चीख के लोगों को इकट्ठा कर लोगी, तो कर लो, हमारा तो काम हो जाएगा ना। क्योंकि तेरे पागल होने के मेरे लाल मेरी शहजादी कागजात तो दानिश ने पहले से बनाए हुए हैं, और उस पे मोहर लगाएगा तेरा ये चीखना चिल्ला, तेरा पागलपन, और हम सबको बता देंगे कि रानिया बाप के सदमे से पागल हो गई। तुझे पता है सबसे पहले सारी बात पर यकीन कौन करेगा? मेरी प्यारी सी शहजादी ताया, ताई, जिन्हें तुम चीख चीख के आवाजें दे रही थी। और तुम्हें पता है कि तुम्हारे इस चीखने चिल्लाने पर कोई भी यकीन नहीं करेगा, वरना हम जैसी प्यार करने वाली ससुराल जिसने इस दागी लड़की को अपनी सर आंखों पे बिठाया है, हम जैसे लोग कहां किसी को नुकसान पहुंचा सकते हैं? पहुंचा ही नहीं सकते। और जहां तुमने की थोड़ी सी भी गड़बड़ तो तुम्हारी माँ को हम डाल देंगे। है? अरे रुक तो जाओ, अरे छोड़ तो मचा लो। अरे तुम शोर क्यों नहीं कर रही? अब शोर करो ना, मैं सुनना चाहती हूँ। ए सना, तुझे शोर की आवाज आ रही है? मुझे क्यों नहीं आ रही? अरे शोर तो मचाओ, बुलाओ ना ताया ताई। गला की भी आवाज निकाली ना, तेरा गला तो दबाऊंगी तेरी माँ के ऊपर। तो सना सरी चला रही है ना, जरा कुछ ट्रेलर तो दिखा दे। निकलने की बिल्कुल कोशिश न करना मेरी शहजादी, नहीं तो तेरी मैं ऐसी की तैसी कर दूंगी, समझी? बहुत थका दिया इसने, उफ अल्लाह, बहुत शोर किया, सर में दर्द हो गया है। मैं तो सोच रही हूँ कॉफी पी लूं, अपने कुक से बनवा के। चलिए सर, चलिए आराम कर लो। हाँ आराम कर लो, आराम कर लो।
ओके बाय। मामा शायसा भाभी, आप मुझसे नाराज है क्या? छोड़ें इस बात को, ये बताएं आपने मिस सलमान को कहीं देखा है? अभी मेरे साथ कमरे में खेल रहा था, खेलते खेलते ना जाने कहाँ चला गया। तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। सलमान, सलमान। अब रफ्ता रफ्ता ये महली मुकम्मल पागल हो जाए। अच्छा ये बता कि दानिश से अपनी जॉब की बात की तूने? हाँ माँ, बात तो की है मैंने उससे जॉब की, लेकिन पता है क्या बोलता है? बोलता है मेरे होते हुए तुम्हें किसी भी ऑफिस में या मेरे भी ऑफिस में जॉब करने की जरूरत ही क्या है। ये भी सही है, क्यों जॉब के पीछे ख्वार होना, घर में बैठ के खाओ आराम से, है ना, मजे से। लेकिन अम्मा उसके ऑफिस में जॉब करने की ना एक रीजन थी। मैं चाह रही थी कि मैं उसके ऑफिस में जॉब करूंगी तो उसके आसपास रहूंगी ना, तो उसको याद रहेगा कि शादी करनी है जल्दी, भूलेगा नहीं वो। सही बात है ना, शादी क्यों नहीं करता वो तुझसे? घुमाता रहता है, कभी खाने खिला रहा है, कभी होटलों में लेकर जा रहा है, तो बोलो शादी करे। अभी तो बोल रहा है कि उसका कोई नया ऑफिस तैयार हो रहा है, जैसे ही वो तैयार होगा तो फिर लेकर आएगा अपने पेरेंट्स को, बस आजकल उसी में बिजी है। ठीक है, ये ठीक है, जितना उसके पास पैसा होगा ना तेरा ही फायदा है। ये भी है, पैर आज तो कितनी शॉपिंग करवाई है। हाँ अच्छे खासे पैसे लगवाए मैंने उसके आज। मेरे लिए कुछ लाइए? अम्मा ले आऊंगी तेरे लिए भी, अभी ना उसको ये नहीं लगना चाहिए कि मैं अपने साथ साथ अपनी माँ को भी भर रही हूँ। वाह, आजकल की औलाद कैसी है, हाँ माँ को तो भूल ही जाती है। कराई शॉपिंग अपनी, मेरे लिए कुछ ना लाई। अम्मा बस कर दे, नाशुकरी की ना एक हद होती है। इतने महंगे रेस्टोरेंट से खाना लेकर आई हूँ तेरे लिए, खुश ना हुई तू? जानती हूँ तुम्हारा दिल तो साफ दूध की तरह उजला, तभी आज भी तुम अपनी अना रोन कर आ जाती हो ना मिलने के लिए। लेकिन तुमसे और निहाल भाई से ना अजीब सी नफरत करते हैं लोग, बस हर वक्त तुम्हें कोसते रहते हैं। लेकिन तुम आ जाया करो, तुम तो अच्छी हो ना, छोड़ो वो जो भी कहे तुम्हें है। अम्मी अम्मी, किन सोचों में गुम है आप? तुम इतनी देर से कहाँ गायब थे? आपकी बहू से बात कर रहा था।
बहुत लंबी कॉल करती। तुमने उसे खुद से इतना फ्री क्यों किया हुआ है? मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे, क्यों फ्री किया हुआ है उसे? कमाल करती हैं आप। जब उससे बात नहीं करता था तो तब प्रॉब्लम था, अब बात कर रहा हूं तो तब प्रॉब्लम। बहुत चलाक है वो, जैसे दिखने में नजर आती है ना वैसी है नहीं। Oh, really? ये आप कह रही हैं? अब कुछ हुआ है क्या? कुछ नहीं, छोड़ो। मैं उसे इस घर में अपनी बहू बनाकर इसलिए लेकर आ रही हूँ कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, तुम्हारे गुस्से को बर्दाश्त करती है, वरना तुम्हारा और उसका मैच बनता ही नहीं है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब वो आपको पसंद नहीं है तो उसे क्यों इस घर की बहू बनाना चाहते हैं? क्या चल क्या रहा है? तुम नहीं समझोगे। मैं नहीं समझूंगा, मैं सब समझ रहा हूं। तुम्हारे पापा कहाँ हैं? रूम में। कैदी की तरह रहूंगी? कैदी तो तुम हो, और तुम्हें क्या आज पता चला है? लोगों को इकट्ठा कर लोगी तो कर लो, हमारा तो काम हो जाएगा ना। क्योंकि तेरे पागल होने के मेरे लाल मेरी शहजादी कागजात तो दानिश ने पहले से बनाए हुए हैं, और उस पे मोहर लगाएगा तेरा ये चीखना चिल्ला तेरा पागल, और हम सबको बता देंगे कि रानिया बाप के सदमे से पागल हो। कहाँ गए ब्रता आजकल? कहाँ आवारा गर्दियाँ चल रही हैं? आपके काम से क्या हुआ था? मेरा कौन सा काम? प्रॉपर्टी के पेपर्स बनवा रहा हूँ, बहुत जल्दी है सब कुछ हमारे नाम होगा। ना तेरा शुक्र, तुम्हारा भी कुछ दिमाग चला। अब लगा ना मुझे कि मेरे बेटे हो। सना से आपको फुर्सत मिले तो और किसी को टाइम देगी ना? बहन तेरी, दिल साफ कर उसकी तरफ से अपना पागल। दिल तो क्या, मेरे तो दिमाग में भी उसकी सोच नहीं आती है। जब से उसने मेरी बात नहीं मानी ना, तो जो मर्जी आए वो करे, कि मेरी बला से तो भाड़ में जाए, दी बर्बाद होगी। चल पढ़ाए यहाँ से फन्ने खान बदफाले निकाल रहे बहन के लिए मुंह से, जाकर अपनी बीवी को काबू कर। बाहर जाने के पर तोड़ रही थी, इतनी मुश्किल से मैंने अंदर कमरे में बंद किया उसे। कहाँ जा रही है? मुझे क्या पता बुद्धू कहाँ जाएगी वो, या तो पुलिस में हमारी कोई रपट लिखवाने जा रही होगी, या फिर अपने होतों सोतों से बुराइयां करने के लिए। मैंने तो भैया कमरे में बंद कर दिया उसको। तुम जाकर देख लेती क्या कर रही है? हाँ मैं देख लेती, ताकि दोनों माँ बेटियां मिलकर मुझ पर हमला कर देती। दिमाग खराब है मेरा? जाके खुद ही देख, महारानी बनकर जब देखो बैठी रहती है, और हम बेचारे हम घर के काम काज के लिए रह गए, सारे नौकर भी फारिग कर दिए घर के। मुलाजिम इसलिए फारिग कर दिए कि इस घर के राज ऐसी घर में रह जाए उस घर तक ना पहुंचे। फिक्र मत कर, जाकर बात करता हूँ, आज से सारे काम वो ही करेगी। अच्छा सुन, वो साजदा की नींद वाली दवाई वो ले आए कि नहीं? वो दवा बहुत जरूरी है, अगर ये दोनों माँ बेटियाँ हवास में हुई ना, ऐसी तबाहकारियां मचाएंगी जिसकी कोई हद नहीं। ये तो नींद की दवा की वजह से वो टन पड़ी रहती है, तो रानिया भी काबू में है, नहीं तो अब तक हमें चलता बाहर कर चुकी होती है। जहन से निकल गया,
बद्दू। ये कब भूलने की बात थी? कितना जरूरी है उसका सोते रहना, भूल गया? ये थोड़ी देर में जाकर ला दो। शुगर का नहीं, मेरा दोस्त जो ऐसे वक्त में काम आ गया। चाबियां देने का एहसान करें तो अंदर भी देख। चुप कर जा। देख के अटैक ही ना कर दे। क्या कमरा बंद करके बैठी हुई हो? खिचड़ी पका रही हो तुम? अपनी अम्मा के साथ मिलकर क्या खिचड़ी पकाएंगे हम? हर वक्त तो सोई रहती है। ना उठती है ना बात करती है। घर आराम कर लेने दो। हाथ पे हाथ रखे यहां क्यों बैठी रहती हो? जाओ किचन में जाकर करके काम किया करो। मेरी अम्मा मुलाजमा नहीं है जो तुम्हारे काम करती रहे दिन रात। उम्र देखी ना उनकी, तो बुद्धि हो या लगाओ। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। सुना है ना तुमने, एक चुप सौ सुख। चुप रहना सी और मेरा कहना मान। फायदे में मुझे मम्मा के बारे में बात करनी है। मैं चाहती हूँ उन्हें किसी और डॉक्टर को चेक करवाएं। वो ठीक नहीं है, कुछ मसला हो रहा है उन्हें। हर वक्त कैसे सोई रह सकती है? अच्छा बहाना है घर से बाहर निकलने का, लेकिन तुम्हारा ये ख्वाब ख्वाब ही रह जाएगा, कभी पूरा नहीं होगा। क्यों कर रहे हो तुम लोग ये सब कुछ? क्यों कर रहे हो? क्यों हमें कैद कर रखा है यहाँ? ये तो तुम पर है कितनी जल्दी इस कैद से रिहाई चाहती। अभी अभी चाहिए मुझे रिहाई। अभी हमें निकालो इस कमरे से। थोड़ा सा वक्त और लगेगा मेरे यहाँ। कागजात तैयार नहीं, मैं थोड़ा सा और वेट कर लो बस। क्या मतलब है? कैसे कागजात? ये प्रॉपर्टी के, जो तुम और तुम्हारी माँ मेरे नाम करने वाले हैं। तुम्हारी मोहब्बत वहां से लो ना सके, सोचा थोड़ी दौलत ही हासिल कर। फिर सोचेंगे तुम्हारा क्या करना है। फिलहाल अम्मा आ रही है, उनके साथ जाना, घर के सारे काम करवाना। चुप रह गए, कुछ किया ना मैं छोड़ूंगा नहीं। कोई बात ही नहीं की जब से आई हो, यूं खामोश बैठी हो। मैं कुछ सोच रही हूँ निहाल। आप कहाँ जाने की तैयारी कर रहे हैं? मैं वकील से मिलने जा रहा हूँ, कुछ मशवरा लेना है। किस सिलसिले में? वो दानियाल भाई के कुछ असासे हैं, खानदानी कुछ शेयर्स हैं उनके, उसके बारे में बात करनी है। उसको कैश करा कर साजिदा को पैसे देने हैं। साजदा को अपना होशी कब है? और रही बात रानिया की, तो किसी से बात करने की रवादार ही नहीं है। जो कुछ भी है
जिनकी अमानत है उनके सुपुर्द तो करनी है, साजदा हो या रानिया हो, we have to do it. निहाल मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, अभी बाप को मरे दिन ही कितने हुए हैं और रानिया में इतनी इतराहट कहां से आ गई है? छोड़ो इस बात को, वैसे भी साजदा की हालत इतनी ठीक नहीं है, बात तो हमें रानिया से ही करनी होगी. ओके okay?